स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 7 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी घातांक और घात। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स कल हमने रूल्स सीखे थे, उम्मीद है आपको वो समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। अब रूल्स क्या थे स्टूडेंट्स, वो एक बार हम रिवाइज जरूर करेंगे ताकि आपको एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए, याद आ जाए अगर कोई भूल गया है तो। वैसे तो ये आपको घर पे रिवाइज करने थे, फिर भी यहाँ पे एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखिए, घातांकों के नियम में सबसे पहला है एक ही आधार वाली घातों का गुणन। क्वेश्चन भी किया था इसके आधार पे कि भाई अगर आधार यानी बेस है ना, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अगर बेस सेम है, जैसे दोनों का बेस क्या है, ए है, बताया था ना शुरू में ही, सबसे पहली चीज यही बताई थी कि भाई बेस कौन सा होता है और पावर कौन सी होती है, यानी घातांक कौन सा होता है। तो ये है आधार बेस। अगर दोनों के बेस सेम है तो, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो एक्सपोनेंट्स, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर दोनों के बेस सेम है लेकिन दोनों एक्सपोनेंट्स हो रहे हैं डिवाइड, तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये दो रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रूल तो एक ही है कि एक आधार वाली घातों का क्या करना है, अगर उनके बेस सेम है, पावर अलग है और वो दो एक्सपोनेंट या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो उस केस में ऐसा ऐसा होता है। जल्दी से इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए। अगला देखते हैं आप, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि भाई एक घात की अगर घात लेते हैं हम, जैसे पावर है ए के ऊपर पावर एम है। अब ए के ऊपर पावर एम, इस पूरे की पावर अगर हमने एन ले ली, एन देख रहे हैं, पूरे की पावर एन ले ली, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन। मतलब ये दोनों पावर की पावर को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आपस में। जैसे दो के ऊपर घात 3 है और इस पूरे के ऊपर घात 4 है, ऐसे केस में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया 2 की पावर 12, 2 की घात 12, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। और अगर पावर सेम है, मतलब इस बार आधार अलग है आपके और पावर आपकी सेम है, तो क्या करेंगे भाई, पावर सेम है तो देखिए दोनों आधार को मल्टीप्लाई करके और दोनों को ब्रैकेट करके बाहर इकट्ठी आप पावर लगा देंगे, मतलब बेस को मल्टीप्लाई करके और जो आंसर आएगा उसके ऊपर वो पावर लगा दें। जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, तो 2 गुना 3 कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 6, और इसकी पावर 3 हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं। ये तो मल्टीप्लीकेशन के केस में था। अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम बेस को क्या करेंगे, भाग कर देंगे और उस पूरे की पावर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपके आ जाते हैं रूल्स। अब बच्चों, अगर किसी की पावर 0 हो, जैसे 3 है इसकी पावर 0 है, तो अगर घात की पावर, किसी की घात 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 5th पार्ट तक हमने किया था, 6ठा आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है बच्चों होमवर्क भी आपने किया होगा और ये भी आपको देख के कुछ कुछ याद आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे अब इसी क्वेश्चन पे हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अब हम 7th पार्ट से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स,
ये है आपके पास क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, घातांकों के नियम यहाँ पे यूज करने हैं, रूल्स यूज करेंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे जैसे बाकी के पार्ट्स आपने किए हैं। जल्दी से इनको हल कीजिए और आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स आप। चलिए स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस अब हम साथ में करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप एकदम से पूछ लीजिएगा। सेवेंथ पार्ट देखिए, ए की पावर 4 × b की पावर 4। यहाँ पे आपका बेस अलग अलग है लेकिन घात सेम है। तो इस केस में क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, इस केस में फॉर्मूला लगाना है ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी और इसकी पावर m। यही करते हैं हम। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, ए की और बी की पावर सेम है तो ए इंटू बी और इसकी पावर आ जाएगी 4। यही करना है हमें। इस तरह से ये पार्ट आपका हो सकता है। एट्थ पार्ट में है बच्चों 3 की पावर 4 और घात की घात है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं ए की पावर एम की पावर एन और इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन। बताया था मैंने कि घातों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे केस में। इसी तरह से 3 के ऊपर घात 4 × 3 कितना आ गया, 4 × 12, 3 की घात 12, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दो पार्ट यहाँ कर लिए हमने, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बाकी के दो पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले दो पार्ट देखिए, 9th एंड 10th। तो 9th पार्ट में है आपका 2 के ऊपर घात 20 / 2 की घात 15 और × 2 की घात 3। अब यहाँ पे एक रूल लगेगा, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ए की पावर एम माइनस एन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, घटाव हो जाएगा इनका। क्या आएगा अब इस केस में, 2 की पावर 20 - 15 × 2 की पावर 3। अब यहाँ पे आपका आ गया 2 की पावर 5 × 2 की पावर 3 और यहां पे हम यूज करेंगे बिकॉज ए की पावर 2 स्टूडेंट्स, यहां पे हम यूज करेंगे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। इस केस में पावर को ऐड कर देंगे, ए की पावर एम प्लस एन, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 की पावर 5 + 3, ये हो गया 2 की पावर 8, फाइनल आंसर आ गया है। इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ आपको होमवर्क भी देना जरूरी है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं इसका, एक एक पार्ट करके करेंगे हम। यहां पे बोला गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पे भी सेम चीज करनी है स्टूडेंट्स आपको, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, सॉल्व करना है और इसको घातांक के रूप में इनको लिखना है। जो भी नियम आपके यूज होंगे वो यहाँ पे नियम अप्लाई करने हैं। बस पिछले क्वेश्चन में इसमें फर्क इतना है कि ये थोड़ा सा उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने इसमें नहीं किया है, रूल्स वही हैं जो आपने पढ़े हैं वही अप्लाई होंगे। तो देखिए ध्यान से इसको, कौन से रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे, लगभग काफी सारी चीजें इसमें यूज होने वाली है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्या सभी आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं वो घातांकीय रूप में हैं या नहीं है? तो 2 की पावर 3, 3 के ऊपर घात 4 है, और यहाँ पे 3 के ऊपर घात कुछ नहीं है, मतलब 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे जो 4 है और जो 32 है वो घातांकीय रूप में नहीं दिख रहे हैं। तो पहले तो उनको घातांक के रूप में लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की घात 2 हो गया। 32 है, इसको कितना लिख सकते हैं 2 की घात, देखिए 2 × 2 × 2 को अगर 5 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब 2 की घात 5 आएगा। ये कैसे किया स्टूडेंट्स? बिल्कुल बेसिक, पहली पहली एक्सरसाइज की थी आपने, तो उसमें हमने क्या किया था, कोई नंबर है घातांक के रूप में बताना है, कैसे बताते थे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बारी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। दैट मीन्स 2 के ऊपर घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने करके बता दिया, कहीं आप भूल ना गए हो इसलिए। बाकी अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा अब, 2 के ऊपर घात 3 × 3 के ऊपर घात 4 × 2 की घात 2 बटे 3 की घात 1 × 2 की घात 5। अब यहाँ पे क्या रूल यूज होगा वो देखिए स्टूडेंट, बिकॉज अगर हमारे आधार सेम है, बेस सेम है, a की पावर m × a की पावर n बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं m+n। ये रूल हमें पता है, पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2 को मैं इनकी जगह चेंज कर दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 4। तो अब क्या करना है हमें, अब देखिए स्टूडेंट्स, (2)³ दोनों के आधार सेम है, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ये रूल, तो 2³ × 3 की पावर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे कोई रूल नहीं लगेगा, तो नीचे हम एज इट इज लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 + 2 5 हो गया, (3)³ बटे 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। अब बच्चों एक रूल और आपको पता है, क्या पता है, कि अगर आपके पास है (a)(m)/(a)(n), बेस सेम है लेकिन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर घटा देंगे, m-n हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए, ये देखिए 2 की पावर 5/2 की पावर 5, तो यहाँ पे हमने रूल लगाया भाई 2 की पावर 5 - 5 × 3 की पावर 4 - 1, ये रूल लग गया। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 0 × 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी आती है, 1, बिकॉज a की पावर 0 = 1, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 की पावर 3, ये आ जाएगा आंसर, 3 के ऊपर घात 3 है, ये इसका घातांक के रूप होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अगला पार्ट देखते हैं।
इसका पार्ट टू। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी नियम अप्लाई होंगे आपको, बस नियम अप्लाई करने हैं, आंसर इजीली आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इस टाइप के एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि एक जैसे से क्वेश्चन है, आप अगर दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान से देखिए जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे घात के ऊपर घात दिख रही है आपको, तो हम ये रूल लगा सकते हैं, बिकॉज ए की पावर एम, देखिए पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं घातों को, एम गुना एन ऐसे ही करते हैं, क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 5 2 × 3 × 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। देखिए 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 होता है 6, कितना आ गया, ये आ गया 6 6। अब एक रूल और लगेगा यहाँ पे, अगर बेस सेम है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो पावर हो जाती है एड एम प्लस एन, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5 की पावर 6 प्लस 4, पावर को कर देंगे एड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम पावर को एड करते हैं 6 प्लस 4 हो जाता है 10, तो 5 की पावर आ गई 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप रूल अप्लाई करेंगे, बिकॉज ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, तो ऐसे केस में हम पावर को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट ए की पावर एम माइनस एन, क्या आ जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 10 माइनस 7, और ये आ जाता है कितना आ गया, ये आ जाता है बच्चों 5 की पावर 3। ये आपका आंसर होगा घातांक के रूप में, नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड पार्ट है। चलिए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे रूल अगर याद होगा तो क्वेश्चन तो बस 5 सेकंड का है ये, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा बच्चों एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 × 4 की पावर 0, तो दोनों के आंसर बताइए, क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे, क्या आएंगे, जल्दी से बताइए मुझे इनके आंसर। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखते हैं 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 × 4 की पावर 0, अब बताइए तीनों के आंसर क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे, कैसे आएंगे आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ही रूल यूज होगा, और वो होगा अगर ए की घात 0 होती है
तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 0 है, वैल्यू 1 आ गई, 3 की घात 0 है, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तीनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 3। क्लियर है? चलिए अब ये देखते हैं कि यहाँ भी सबकी वैल्यू 1 आ गई है, लेकिन एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर एक से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही रहेगा, इस बार 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऐड है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें डिफरेंस करके बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि भाई ये एक जैसे से नंबर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की वजह से आंसर में बहुत फर्क आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे है, ये भी एक आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी एक आ जाएगी और इसकी भी एक आ जाएगी। अब मुझे बताइए कि 1 + 1 होता है 2, और 2 × 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा, आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, अच्छे से इनको आप रिवाइज करेंगे, देखते हैं कि कितने सारे रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं इन क्वेश्चंस में। बाकी भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।